हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके साथ सिंपल पार्टी मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ, तो आप ये वीडियो पूरी तरह से देखना। और मेरे चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा पहला स्टेप है कलर करेक्टर। तो जहाँ जहाँ मेरे स्किन में डार्क सर्कल है उसे हाइड करने के लिए मैंने आज ऑरेंज कलर का कंसीलर यूज़ किया है। उसे अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद मैंने आज उसे स्मॉल अच्छे से छोटा सा स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे डैप डैप करके उसे अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद उसे हाइड करने के लिए मैंने एक अलग से कंसीलर लिया है। और जहाँ जहाँ मैंने ऑरेंज कलर का कंसीलर किया है उसे पर मैंने ये कंसीलर अप्लाई किया है। अप्लाई भी मैंने स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर से मदद से ही उसे ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद आज हम मेरा स्टेप है नेक्स्ट फाउंडेशन। फाउंडेशन भी मैंने मामाअर्थ का ही यूज़ किया है। उस मेरे पूरे फेस पे अप्लाई किया है और मुझे ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैंने आज मामाअर्थ का फाउंडेशन यूज किया है। ब्रश की मदद से मैंने अप्लाई किया है और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद आज मैं NYB का कॉन्ट्रोल स्टिक यूज़ करने वाली हूँ। तो मेरे फेस शेप के लिए पहले मैंने चीक्स पर अप्लाई किया है, उसे नोज पर अप्लाई किया है, उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे ब्लेंड किया है। अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद आज लुक में ब्लशर भी क्रीम ही यूज़ करूँगी, क्योंकि क्रीम मैंने कॉन्टोर किया है इसीलिए मेरे फिंगर में मैं जो ब्लशर है उसे ले लिया है। उसे आप देख सकते हो मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ। पहले मैंने उसे अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैंने ये चीज़ चिक्स पे हमने हमारे दो फिंगर के हेल्प से मैंने ये ब्लेंड लगा दिया है। उसको ब्लेंड करने के लिए मैं आज वो अगेन ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करूँगी। अच्छी तरह से उसे एप्लीकेशन के लिए मैंने आज जो उसे पहले फिंगर की हेल्प से यूज़ किया, उसके बाद मैंने ब्लेंडर यूज़ किया। उसको हमारे मेरे जो बेस है उसको लॉक करने के लिए मैंने लूज़ पाउडर ये बनाना है लूज़ पाउडर यूज़ किया है। उसे मैंने ब्रश की हेल्प से ही मेरे फेस पे पूरी तरह से आप लोग देख सकते हो मैंने उसे ब्रश की हेल्प से ही उसे मेरे फेस पे अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने हाइलाइटर आज इनसाइड कॉस्मेटिक का यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने चिक्स पे अप्लाई किया है, उसके बाद मैं मेरे नोज़ पे अप्लाई कर रही हूँ। आज मैं आईशैडो भी पूरा न्यूड ही रखूँगी, सिंपल ही रखूँगी। तो मैंने पहले एक लाइट कलर लिया है जो स्किन कलर आता है उससे पहले अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने ब्राउन कलर से मैंने क्रीज डिफाइन की है। आज मैं लाइनर की जगह एक ब्राउन कलर से ही एक लाइन क्रिएट करने वाली हूँ। मेरा आउटफिट में ऐसा मरून कलर था इसीलिए मैंने वो यूज़ किया है। आपके आउटफिट में जैसा कलर हो आप वो यूज़ कर सकते हो। अच्छी तरह से आप देख सकते हो मैंने कैसे लाइन क्रिएट की है। उसके बाद मैं आज मेबलिन की मस्करा यूज़ करूँगी। मेबलिन की मस्करा काफ़ी अच्छी आती है तो आप लोग भी ये मस्करा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिपस्टिक भी आज न्यूड ही कलर सिलेक्ट किया है। तो मैंने पहले जो सेड है वो स्वीस ब्यूटी पैलेट का यूज़ किया है। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने पहले ऊपर के लिप्स पे अप्लाई किया है और नीचे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे वीडियो को